सुप्रभातम। आज हम कक्षा द्वितीय गणित विषय में प्रश्नावली 3 के अंतर्गत गिनती का क्रम पूरा करेंगे। आज हमें 301 से 400 तक गिनती बोलकर लिखनी है, यानी 301 से 400 तक गिनती बोलकर लिखेंगे। यहाँ पुस्तक में 301 लिखा हुआ है। 301 कैसे हुआ इसको हम पढ़ के देखते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा। एक क्या है? इकाई, और शून्य है दहाई, और तीन है सैकड़ा। सैकड़े का अर्थ होता है 100। 100 के स्थान पर 3 आया, इसलिए 300। 301 फिर आएगा 3, शून्य 2। 302 फिर आएगा 304, 305, 306, 307, 308, 309, फिर 310। 310 कैसे लिखेंगे? 3, फिर 1 और फिर 0। फिर यहाँ से क्या शुरू होगा? 310 हो गया, 311, 3 और 11। इसमें भी 3 ही अंक होंगे, क्योंकि सैकड़े की संख्या में 3 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 311 की पंक्ति शुरू होगी, फिर होगी यहाँ से 321 की, 321 की पंक्ति यहाँ 330 तक पूरी होगी। 330 के बाद 331, फिर 341 की पंक्ति पूरी होगी, फिर यहाँ से 351, 361, 371, 381, 391 और अंत में क्या आएगा? 400। क्या आएगा? 400। इस तरह से हमें 301 से शुरू करके 400 तक गिनती बोलकर लिखनी है।